आप सबको बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। इसको आप मलनी की जनता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी जौनपुर को ये जीत की बधाई। सपा का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया उसके बावजूद? ऐसा कुछ नहीं था, केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए थे, बाकी तमाम हमारे नेता आए थे, तमाम पदाधिकारी आए थे, तमाम चल रहे थे और सब लोग क्षेत्र से मन से लगे थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए वो लगातार कंटिन्यू, ऐसा कोई दिन नहीं था जो कार्यकर्ताओं से नहीं बात करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए 30,000 2012 में 30,000 2017 में 20,000 और इस बार मात्र 4,500 की वो पिताजी थे। उसमें कारण था कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी, इसलिए मेरा जीत का अंतर कम। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी आपके यहाँ, आपके यहाँ आपका मुकाबला निर्दल प्रत्याशी से था, इसके पीछे क्या आप? अब इसके पीछे तो मैं नहीं मान सकता, लेकिन मैं इतना जरूर ये मैं जानता हूँ कि जो निर्दल प्रत्याशी जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ रहे थे, ये ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि वो लगातार कंटिन्यू क्षेत्र में जनता के बीच में जाके जिस हिसाब से वो कर रहे थे और प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा था, ऐसा नहीं कुछ था। उनका तो आरोप था कि प्रशासन जो है भाजपा की इशारे पे ऐसा कुछ नहीं था, प्रशासन उनकी मदद कर रहा था। अगर प्रशासन उनकी मदद न करता तो शायद कोटेदार और प्रधान सब समाजवादी पार्टी कोट दिलाते, सब मुड़ गए। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी मलनी के लिए? पिताजी ने जो आखिरी चिट्ठी लिखी है सबसे मेरी प्राथमिकता सबसे पहले और पिताजी ने विधायक निधि भी नहीं है इस साल। अगर निधि नहीं आएगी तो जनता इसके लिए तैयार खड़ी है, जनता इसके लिए हमको बोली है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं निधि नहीं आएगी, लेकिन पिताजी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जनता ने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी है।